हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी आर क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला है ब्लड प्रेशर, बीपी, S2O2, ऑक्सीजन लेवल, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HRCT, चेस्ट स्कोर। तो देख सकते हैं CT स्कोर एंड HRCT चेस्ट स्कोर है, रेस्पिरेशन रेट है, हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, हार्ट या पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ब्लड प्रेशर। सबसे पहला टॉपिक हमारा था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियों में बढ़ते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारें पर डाले गए दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? रक्तवाहिनियों में बढ़ते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारें पर डाले गए दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर को हम एस्फिगमोमीटर से मापते हैं। ब्लड प्रेशर को एस्फिगमोमीटर से मापते हैं, तो इसे ये है एस्फिगमोमीटर, इसे एस्फिगमोमीटर कहते हैं, इसे ब्लड प्रेशर को मापते हैं। अब ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट धड़कता है तो वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसे मापता है। जब हमारा हार्ट धड़कता है तो वेसल्स पे जो प्रेशर पड़ता है तो उसे मापता है, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वे प्रेशर जब हमारा हार्ट जो धड़कता है तब दो धड़कनों के बीच के प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ऊपर का प्रेशर होता है और डायस्टोलिक नीचे का प्रेशर होता है। नए बच्चों का ब्लड प्रेशर 95 पर, मतलब सिस्टोलिक 95 होगा और डायस्टोलिक 55 होगा, MMHg हाइड्रागिरम। एडल्ट में 120 बाय 80 होगा और बुढ़ापे में, ओल्ड एज में 150 बाय 90। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140 बाय 90 हो जाता है, मतलब सिस्टोलिक अगर 140 हो जाए, डिस्टोलिक 90 रहे, तो हमारा बीपी हाई है। अगर अगर बीपी 150 बाय 95 हो जाए, ये बहुत हाई हो जाता है, तो उस समय आपको डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगला हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन या SpO2 जिसको कहते हैं, सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये है ऑक्सीमीटर जो कि फिंगर में लगा के हमारा SpO2 को मापा जाता है। सामान्य ऑक्सीजन लेवल 94 होता है और अगर 95 से 100 के बीच में ऑक्सीजन लेवल हो तो वो बहुत अच्छा उसको माना जाता है। अगर 90 और 93 के बीच में हो तो थोड़ा कम होता है। ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से कम हो तो वो बहुत कम होता है। हमारा अगला टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान। बॉडी टेम्परेचर को डिजिटल थर्मामीटर से मापते हैं। बॉडी टेम्परेचर को डिजिटल थर्मामीटर से मापते हैं। ये रहा थर्मामीटर, इसको देख सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी का सामान्य तापमान 92 से 98.6 डिग्री तक होता है। थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर अगर 99.0 डिग्री हो जाए तो हमारा जो है थोड़ा सा फीवर की चांस होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर 100 से 102 डिग्री तक रहे तो आपको फीवर बहुत ज़्यादा है। हमारा अगला टॉपिक है हार्ट रेट या पल्स रेट, हृदय गति या पल्स रेट। हार्ट रेट एंड पल्स रेट आपके दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या होती है। 1 मिनट में आपका दिल कितने बार धड़कता है
उसी को पल्स रेट या हार्ट रेट कहते हैं। सामान्य मनुष्य का पल्स रेट 72 एक मिनट में 72 बार धड़कता है, 60 से 80 बार अगर धड़क रहा है, कम धड़क रहा है। अगर आपका पल्स रेट 90 से 120 के बीच में रहे तो आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और आपका अगला टॉपिक है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को दो तरह से मापा जाता है। शुगर दो टाइम पर डिपेंड करती है, पहला होता है फास्टिंग खाना खाने से पहले और दूसरा होता है बीपी पोस्ट प्रांडियल खाना खाने के बाद। फास्टिंग में अगर हमारा बीपी 70 और 120 mmHg DL का मतलब होता है डेसी लीटर। फास्टिंग में 70 व 100 mm प्रति डेसी लीटर में रहे तो ठीक है। और पोस्ट प्रांडियल खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर 70 और 140 के बीच में रहे तो हमारा ब्लड शुगर सामान्य है। अगर हमारा ब्लड शुगर 125 mg पर डीएल से ज़्यादा हो जाए तो हमें डायबिटिक होने की चांस होती है। हम एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटिक पेशेंट का पता चलता है। हमारा अगला टॉपिक है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की पाया जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुरुष में समानता हेमोग्लोबिन 13.5 से 17.5 g/dL होना चाहिए और फीमेल में स्त्री में 12.5 से 15.5 g/dL होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर। एक मिनट में अपन कितनी बार सांस लेते हैं उस रेट को ही रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। रेस्पिरेशन रेट किसे कहते हैं? आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं उसे रिस्पायरेशन रेट कहते हैं। नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट 12 से 16 बार होता है। एक मिनट में अगर आप 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं तो आपका नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट होता है। और 1 से 3 मंथ का बच्चा जो है 44 बार 1 मिनट में ब्रीथ सांस लेते हैं। तो ये सब याद रखना है, अगर हमारा बॉडी जो है 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेता है तो हमारा रिस्पायरेशन रेट नॉर्मल है। 1 से 3 मंथ के बच्चों के लिए वो जो है 1 मिनट में 44 बार सांस लेते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है सीटी स्कोर एंड HRCT चेस्ट स्कोर। चेस्ट का सीटी स्कैन करने पर लंग्स का स्कोर। हमारे लंग्स जो होते हैं, हमारे दो लंग्स होते हैं, एक होते हैं राइट लंग्स एक होते हैं लेफ्ट लंग्स। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये है राइट लंग्स ये है लेफ्ट लंग्स। और हमारे लंग्स में राइट लंग्स में 3 लॉब्स होते हैं, फ्लोरियल लॉब्स मिडिल लॉब और इंटरनल लॉब। और हमारे लेफ्ट में जो है लेफ्ट लंग्स में जो है 2 लॉब्स होते हैं, सुप्रोरियल लॉब्स और इंटीरियर लॉब्स। और हमारे HRCT स्कोर जो है HRCT स्कोर टेस्ट कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन था। हमारे HRCT स्कोर अगर 0 से 8 के बीच में रहे तो वो मिल्ड इन्फेक्शन होता है। थोड़ा तो HRCT स्कोर 9 से 18 के बीच में हो तो मॉडरेट इन्फेक्शन इसे कहते हैं। और HRCT रेट अगर 19 से 25 के बीच में हो तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनका जो है रिपोर्ट 19 से 25 के बीच में उनका रिपोर्ट आता है। अगर किसी पेशेंट का HRCT रेट 19 और 25 के बीच में हो तो उसे सीवियर इन्फेक्शन कहते हैं। सीवियर इन्फेक्शन में पेशेंट को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का भी जरूरत हो सकता है। और आपको बता दूं HRCT का फुल फॉर्म होता है हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कोर। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।